अगर आप पेज एप्लीकेशन यूज करते हैं 10 मई के बाद से एप्लीकेशन आप यूज नहीं कर पाएंगे, इसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन भी बैंक की तरफ से मिल गया होगा। इस तरीके से 10 मई से यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो जाएगा एप्लीकेशन। आप पुराना एप्लीकेशन यूज भी कर रहे हो तो यहाँ पर दिखा रहा होगा कि नया वर्जन अपडेट कर लें आप। तो इसी से बैंक ने न्यू एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, उसमें सारे न्यू फीचर्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए, साथ साथ यहाँ पर रिचार्ज और UPI पेमेंट्स के ऊपर भी यहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। पहले भी भेजे एप्लीकेशन फेमस था अपने रिवॉर्ड्स देने के लिए, हमेशा कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स उस पर मिलते ही रहते हैं। तो पूरा इंटरफेस यहाँ पर चेंज कर दिया, रिवॉर्ड्स से लेके रिचार्ज से ले जितने मेन्यूज यहाँ वगैरह थे वो सारी चीज़ें चेंज होगी। तो इस वीडियो में डिटेल में वन बाई वन करके इनके ऑफर्स के बारे में देखते हैं, पेजो एप्लीकेशन में कैसे आपको यहाँ पर कैश पॉइंट्स मिलते हैं, उसको कैसे आपको यूज़ करना है रिचार्ज के ऊपर, और UPI पेमेंट्स के ऊपर भी रिवॉर्ड्स दिए जाए हर मंथ यहाँ पर रिवॉर्ड्स इसके पेजो एप्लीकेशन HDFC बैंक यहाँ पर प्रोवाइड करता ही रहता है। और यहाँ पर पेज ऐप का शॉप भी होता है जिसमें आप 5x रिवॉर्ड्स पॉइंट्स हमेशा यहाँ पर शॉपिंग के ऊपर भी यहाँ बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सारी चीज़ें वन बाई वन करके देखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको पेज एप्लीकेशन न्यू वाला अपडेट कर लेना है, इस तरह का एप्लीकेशन आपको दिखेगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी ईजी है, यहाँ पर सिंपली अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पर OTP आएगा वो फिल करेंगे और यहाँ पर सिंपली आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। अगर आप UPI पेमेंट्स करना चाहते हैं सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड करना होगा, तो अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे और UPI अकाउंट्स आपको दिख रहा है उस पर जाकर क्लिक करें। जो भी बैंक को आप ऐड करना चाहते हैं इजिली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड को भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन तो अब मिल ही गया है रुपए क्रेडिट कार्ड को ऐड करने का, तो यहाँ पर रुपए क्रेडिट कार्ड भी आप ऐड इजिली कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं पेमेंट्स करने के, सेंड मनी पे क्लिक करके जैसे आप बाकी UPI एप्लीकेशन पेमेंट करते हैं उस तरीके से यहाँ भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से अकाउंट के थ्रू और सेल्फ अकाउंट में भी यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद रिचार्ज का ऑप्शन आपको दिखता है, जो भी रिचार्ज आप करना चाहते हैं मोबाइल रिचार्ज, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। इसमें कैश पॉइंट कैसे आपको देखने को मिलेगा, सिंपली आप रिचार्ज मान लीजिए आप करना चाहते हैं फास्टैग ही रिचार्ज कर रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपका फास्टैग रिचार्ज करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे, बैंक्स अमाउंट यहाँ पर फिलअप कर लेंगे और यहाँ पर अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा नीचे, उस पर क्लिक करेंगे ये कूपन कोड अप्लाई इस तरीके से हो जाएगा। 20 कैश पॉइंट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, मिनिमम रिचार्ज यहाँ पर लिखा हो रहा था, टर्म एंड कंडीशन आपको देखना पड़ेगा क्योंकि उस रिचार्ज के ऊपर कौन सा कंडीशन है। आप फास्टैग के ऊपर कर रहे हैं तो उसके अलग कंडीशंस होंगे, यहाँ पर आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं उसके अलग कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर रिचार्ज सक्सेसफुल कर लेना। आपको UPI के थ्रू रिचार्ज करेंगे तो यहाँ पर आपको कैश पॉइंट नहीं मिलता, आपको रिचार्ज करना होगा अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर पेज़ैप वॉलेट का यूज़ करके। तो वॉलेट का यूज़ करके आप पेमेंट्स करेंगे तभी यहाँ पर कैश पॉइंट का बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। सेम चीज़ रिचार्ज के ऊपर भी, रिचार्ज में आप कोई नंबर आपको रिचार्ज करना उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अप्लाई कैश पॉइंट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 20 कैश पॉइंट यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये चीज़ें ओपन हो जाएगा। आपको रिचार्ज करना होगा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड या फिर पेज़ैप वॉलेट का यूज़ करके। तो इस तरीके से कैशबैक आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जितने भी रिचार्ज ऑप्शन यहाँ पर ओपन है सभी पे आपको मिलेंगे। ऑफर्स वगैरह चेक करना है कि कौन से में आपको ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं, तो सिंपली आप प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक करेंगे, नीचे यहाँ पर आप आएंगे कैश पॉइंट्स एंड ऑफर पर क्लिक करेंगे और सारे ऑफर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप UPI पेमेंट भी करेंगे उसके ऊपर भी कैश पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे, जैसे देख सकते हैं अर्न अप टू 6 रुपीज़, तो 6 कैश पॉइंट का बेनिफिट्स यहाँ पर आपको मिलेगा। किसी भी QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं, अभी मर्चेंट को यहाँ पर पेमेंट करते हैं उस पर भी मिलेगा और रिचार्ज वगैरह के ऊपर तो है ही है, बिजली बिल पे करते हैं, मंथली यहाँ पर कैपिंग भी होती है, कंडीशन होता है हमेशा नहीं मिलेगा, 2-3 आपको यहाँ पर रिवॉर्ड्स पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस तरीके से ऑफर्स यहाँ पर इजिली आप चेक कर पाएंगे। इसके ट्रांजेक्शन हिस्ट्रीज वगैरह देखनी तो पासबुक पे आप क्लिक करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके हुए हैं वो चीज़ें यहाँ पर शो करने लगेगी पासबुक के ऊपर, जो भी पैसे आपने रिसीव किए हैं फिर आपके अकाउंट से कटे हैं वो यहाँ पर इजिली शो करेगा। जो भी कैश पॉइंट आप रिसीव करेंगे तो यहाँ पर ऑफर में दिख जाएगा, जो आपने कैशबैक आप अर्न किए हैं तो यहाँ पर सारे ऑफर्स का डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अब बात आती है शॉपिंग के ऊपर, जैसे पुराने पेज़ एप्लीकेशन में आपको शॉपिंग के ऊपर रिवॉर्ड्स मिलता था, जैसे अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे आप शॉपिंग करते थे तो 5x रिवॉर्ड्स पॉइंट या 5% का कैशबैक मिलता था HDFC कार्ड के थ्रू। यहाँ पर एडिशनली यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड की जाती थी, तो इस ऑप्शन को मेन्यू ऊपर ही चेंज कर दिया, जैसे आप देख सकते हो पे और शॉप का ऑप्शन, तो शॉप पर क्लिक करेंगे तो आप ऑलरेडी यहाँ पर शॉप पर आ जाएंगे और टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे। जो भी शॉपिंग वगैरह करनी इसके थ्रू आप कर सकते हैं, मान लीजिए आप स्विगी पे, जोमेटो पे या फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाना चाहते हैं तो इसके थ्रू जाएंगे, ई वाउचर्स यहाँ परचेस करके भी शॉपिंग कर सकते हैं या फिर रिडायरेक्ट होकर यहाँ से भी कर सकते हैं, तो आपको ये कैशबैक का पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर स्मार्ट हब के ऊपर पहले आपको मिलता था, सेम चीज़ें यहाँ पर की गई है, तो सभी कार्ड के अलग अलग कंडीशंस यहाँ पर होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाते हैं।
तो यहाँ से आप सारा चीज़ें शॉपिंग वगैरह वो करना है, कुछ यहाँ होटल्स बुकिंग वगैरह करनी है, उसके ऊपर जो रिवार्ड्स आपको मिलते हैं वो यहाँ पर शॉप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको मेन्यू दिखेगा। पहले था नीचे में ही आपको सारे ऑप्शन दिख जाते थे। तो यही था छोटा सा अपडेट पेज़ एप्लीकेशन की तरफ से, काफ़ी अच्छा अपडेट से यहाँ पर दिया है। बाकी UPI ऐप से करेंगे बेटर है, क्योंकि यहाँ पर कैश पॉइंट का आपको वैल्यूज मिल रहा है, रिवॉर्ड्स मिल रहा है। बाकी एप्लीकेशन में तो UPI ट्रांजेक्शन्स वगैरह के ऊपर भी कोई रिवॉर्ड्स पॉइंट्स यहाँ पर नहीं मिलते, कम से कम इस पर तो मिल रहे हैं। और कोई चार्जेस वगैरह भी आपको पे नहीं करने पड़ रहे, क्योंकि आप फोनपे पर रिचार्ज वगैरह करते हैं वहाँ आपको 2 से 3 रुपये यहाँ पर प्लेटफॉर्म फी लिया जा रहा है, पेटीएम वाले भी ले रहे हैं। तो इस एप्लीकेशन तो बिल्कुल फ्री अभी है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लग रहा और साथ साथ आपको कैश पॉइंट भी मिल रहा है। तो आप इसलिए यहाँ पर डाउनलोड करें, अपडेट करें और रिचार्ज वगैरह जो भी करना है तो इस एप्लीकेशन के थ्रू इजिली आप कर सकते हैं। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन क्वारी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।